ये तूने क्यों किया फियोना? यही मेरे रास्ते में आया। हमेशा अपने कमजोरों पर ही धौंस दिखाते हो कायर। तुमने मुझे कायर कहा? मोगली, मोगली। किसी और दिन देख लूंगा तुम्हें। अब बोलो कौन है कायर मोगली? मैं नहीं हूँ। ठीक है, हम आज ही मिलते हैं बलू के इलाके वाली पहाड़ी के ऊपर, जहाँ दोनों के बीच कोई नहीं होगा। तब फैसला होगा हम दोनों में कौन बहादुर है। बोलो, मंजूर है? हाँ ठीक है, अपनी जिंदगी के जितने मजे ले सकते हो ले लो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और वहाँ जरूर पहुँचना, वरना तुम्हारी कायरता सबको पता चल जाएगी। बलू, आज लेसन जल्दी जल्दी दे दो प्लीज। पर क्यों? वो क्या है कि तुम्हें तो पता ही है। नहीं, मुझे नहीं पता। ची। सर्दी हो गई? मैंने नहीं छीका। अरे इनसे मत डरो, बलू हमारे दोस्त ही हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, पर वो कहीं चले गए। मैं भी घर जाने लगा, पर मुझे रास्ता नहीं मिला और मैं खो गया हूँ। मैं खो गया। अरे अरे घबराओ मत। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा बलू, क्योंकि ये तुमसे डर रहा है। तो तुम्हें इसे घर छोड़कर आना होगा, पर ठंडी गुफाओं के खंडरों में मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बंदर तुम्हें तकलीफ दें। उसकी टेंशन मत लो तुम, अब तो मैं जा सकता हूँ ना। हाँ 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 जाओ। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं। तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो लगी है। मैनी, कहाँ हो तुम? देखो एक बार घर पहुँच जाते हैं, फिर आराम से खाना। आओ। एक खाओगे? नीचे उतार। रूपांगी, उसे नीचे उतारो। मैं नीचे उतारूं? अरे ये ऊपर चढ़ा है। उतर जा, उतर जा, उतर जा। अपने इस पिद्दी से दोस्त के साथ कहीं और जाकर खेल मोगली। मजा आ गया। मोगली को भेज तो दिया, पर मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। कितना सुहाना दिन है ना बलू। होगा, पर मुझे तो टेंशन हो रही है। तुम्हें उस मस्ती में चोट लग जाती तो? ऐसे कैसे लग जाती? तुम मेरी मदद के लिए थे ना मोगली। हाँ चलो, अब हम घर पहुँचने वाले हैं। वो ओहो, कितने जिद्दी हो तुम। मैनी, मोगली आंखें बंद करके दस्तक गिनो, देखता हूँ तुम मुझे खुश पाओगे या नहीं। जी नहीं, चुपचाप नीचे आ जाओ। वाँ, वाँ, बचाओ, मैं फंस गया हूँ। हाँ? जल्दी आओ, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा मोगली। देखो मैं अभी मस्ती के मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं, मुझे तो खेलने में मजा आ रहा है, पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ओहो, कैसी आफत की पुड़िया है ये। क्या तुम्हें आम पसंद है?
टेंशन छोड़ो बलू, मोगली अपनी रक्षा खुद कर सकता है। हाँ, पर वो ठंडी गुफा और वहाँ के वो बंदर, पता नहीं मैंने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया। इससे पेट तो नहीं भरेगा, पर कुछ देर का नाश्ता हो जाएगा। बस पहुँचने ही वाले हैं। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, उसके बाद मैं। तुम पहले मुझे पकड़ के नहीं दिखाओ। कुआ खुद प्यासे के पास आ रहा है। रुको, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? इंसानी बच्चे, बंदर कब से तुम्हारे दोस्त बन गए मोगली? वो नहीं है, मेरा मतलब प्लीज का इसे मत खाना, तुम्हें खाने के लिए इससे बड़ा कुछ मिल जाएगा। नहीं इंसानी बच्चे, भूख तो अभी लगी है। माफ करना का, मेरा खाना गया फिर से। लगता है डरपोक पहले ही कहीं दुबक गया। बाय मैनी, और आज के बाद दोस्तों से दूर कभी मत जाना। पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खास काम से जा रहा हूँ। मतलब मैं खास नहीं हूँ? अरे मैनी, तुम तो सबसे खास हो, वो तो बस माफ करना, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय। अब सबूत मिल गया कि वो इंसानी बच्चा कायर और डरपोक है। वो आ गया, मोगली पहुंच गया। आओ मोगली, माना तुम में हिम्मत है पर अकल से पैदल हो, चलो तुम्हारा खात्मा कर दूं, तैयार हो जाओ। रुको फियोना, मैंने तो मामला सुलझाने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ कर तुमसे लड़ूंगा मेरे दोस्त। हाँ, नहीं कहा, पर मैंने कहा था हम देखेंगे हम में से कौन बहादुर है, और अगर तुम खुद को निडर, बहादुर और ताकतवर समझते हो तो आ जाओ मेरे पीछे। लगता है हम में से मोगली सबसे ज्यादा बहादुर है फियोना। देख लूंगा उसे। और तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ी बहुत शरारतें कर रहा था पर उसमें भी मजा ही आया। शुक्र है, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और भविष्य में कभी भी तुम। मुझे लगता है मैं फिर से खो गया हूँ। शैतान कहीं के। ओह मैनी।
क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो, उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए, और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अकलमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट, अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन 0.5 मीटर होती है, तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं और एक पाइथन के पेट में 6 बंदर। का पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ, समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना। खुजली कर करके खुजुमल बन गया हो। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हो जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ, बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है समझे, बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। टप्पा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुँच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए। तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। उनसे डरने की क्या जरूरत है, वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है, वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? ओह, वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुली निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद हाथ आया। मैं तो यहाँ सिर्फ बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना। अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निकल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा।
एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम्हें। चलो बताओ, इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। मुझे बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोर नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी अभी बगीरा को पुराने खंडरों के पास देखा, वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेरखान कहां तक भागेगा चूसे, खाऊंगा तेरे सारे पुरसे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहां जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है, आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हा? मुझे नहीं लगता वो वहां, कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे धुतकार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, और ना ही वो बंदर। देखो शेरखान ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। हेलो बंदरों, इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा, आ जाओ। और मुझसे भी शेर खान। हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बघीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि
एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है? जवाब है पाइथन को जितनी भूख लगी होगी।